दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा बसों में 50% सवारियां बिठाने के निर्णय के चलते पूरे प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर सोमवार से हड़ताल पर है। इसी कड़ी में सोलन जिला के कुनिहार में भी निजी बस ऑपरेटरों ने बस सेवा न देने का निर्णय लिया है। सोमवार को कुनिहार बस स्टैंड पर सभी निजी बसें खड़ी रही। हालांकि हिमाचल परिवहन निगम द्वारा लोगों की सुविधा को देखते हुए लोकल रूट पर बसें चलाई। निजी बस ऑपरेटरों की माने तो वैसे ही कोरोना के चलते बसों में सवारियां कम आती है, उस पर सरकार के बसों को 50% कैपेसिटी पर चलाने के निर्णय से उन्हें चिंता में डाल दिया है। उनका कहना है कि अगर सवारियां ही नहीं होगी तो वे बसों के खर्चे कैसे निकालेंगे। ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकारी बसों में सवारियां फुल कैपेसिटी में बिठाने के बाद भी चालान नहीं किया जाता और निजी बसों का चालान करने में प्रशासन देर नहीं लगाती। बस ऑपरेटरों ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। नमस्कार जी, आज से हमारी हड़ताल है प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन की, और जिससे कि हमारे खर्चे नहीं निकल रहे हैं, नहीं जी हमारे टैक्स नहीं निकल रहे हैं, हमारी गाड़ियों की इंश्योरेंस ही नहीं निकल रही है जी, ड्राइवरों का खर्चा पानी नहीं निकल रहा है, सब कुछ हमने लोन पे किया है जी, आगे गाड़ियों की किस्तें दी जा रही है, अभी जितना भी काम किया हमने लोन पे काम किया है जी, सारा कुछ सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक तो एक कोविड महामारी ऊपर से, फिर से पहले सवारियाँ नहीं जी सरकार, इसलिए हमारे बारे में सोचे। हमारे साथ बहुत बंदों का रोजगार जुड़ा है, इनका परिवार भी हमारे से पड़ता है, तो सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी सुना जाए। और सरकारी बसें का, सरकारी बसें तो चल ही रही है जी, इनको तो ऐड आती रहती है, इनको तो अभी 27 तारीख को ऐड आ गई जी, हमारे को तो कोई दे नहीं रहा, 1.5 साल से कुछ नहीं दिया हमारे को तो। ये तो ये तो आधी सीटों पर, आधी कहाँ जी, ये तो पूरी सीटें चल रही है जी, सुबह से स्टैंडिंग जा रही है जी, हमारा चलान कर देते जी, हमारा 20,000 का चलान होता है जी, अगर हमारी 30 सीटर गाड़ी है 1500 से ज़्यादा होगी तो हमारा चलान हो जाता जी, इनका कोई चलान नहीं हो रहा जी, इनके लिए कोई कानून नहीं, सरकार तो सबके बारे में सुने जी। हाँ ये देखो सरकारी हो गए हाल, सरकारी बस अभी पैक गई जी, यहाँ से शिमला राजधानी से आई, शिमला कुठाड़ को जा रही है, सुबह नालागढ़ वाली भी सारी ऐसी पैक गई, तो हम तो यही अनुरोध करते हैं सरकार से कि हमारी जल्दी जल्दी मांगे पूरी की जाए और सब हम गरीब आदमियों का पेट पाल सके जी। प्राइवेट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद प्राइवेट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्राइवेट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांग, प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुनिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन। सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तरुण कालरा है, मैं भोजा डेंटल कॉलेज बद्दी में इस टाइम बतौर प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। आज मैं आप लोगों से कोविड से कैसे बचें ये बातें करना चाह रहा हूँ, उसके लिए 3-4 पॉइंट्स थे जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ हम डिस्कस करें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको मास्क नहीं छोड़ना है, समझ लीजिए ये हमारी सुरक्षा कवच है, अगर हम अपना मास्क डाल के रखते हैं तो हम किसी भी तरह की इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा ये है, जैसे हमें बताया जा रहा है कि हमें एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, 2 फुट की दूरी रखनी है, अगर कोई और पास में आपके खांस रहा है या छींक रहा है या कोई भी ऐसा सिम्टम दे रहा है तो उससे बचने का एक ही ऑल्टरनेटिव है कि उससे थोड़ी दूरी रखी जाए और उसको बोला जाए कि तुम भी मास्क डालो, और इस तरह से बचने का तरीका है। तीसरा ये है कि हम अपने हाथ साफ रखें, गंदी जगह पे हाथ लगे या कहीं भी हाथ लगे कुछ नहीं हमें पता लग सकता कि और उससे पहले किसने उस जगह पे हाथ लगाया था, तो अपने हाथ को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें।
चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि हम वैक्सीन से ना डरें, वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वैक्सीन बच्चों में हम वैक्सीन क्यों लगाते हैं, हम लोग सब जब बड़े हो रहे थे हम वैक्सीनेशन लगाते थे बीमारियों से बचने के लिए, उसी तरह से कोविड से बचने के लिए जो वैक्सीन है वो बिल्कुल सेफ है और सबको इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर मैं आपसे बताऊं, मेरे पास कई मरीज़ आके, कई लोग आके बोलते हैं कि वैक्सीन हम क्यों लगवाएं, वैक्सीन से हमें क्या प्रोटेक्शन मिलेगी। तो एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि हम गाड़ी में जाते हैं तो हम सीट बेल्ट डालते हैं। हम सीट बेल्ट क्यों डालते हैं? सीट बेल्ट हमारा एक्सीडेंट होने से हमें नहीं बचा सकती, मगर अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कोई मुसीबत आ जाए तो सीट बेल्ट एटलीस्ट हमारे को उससे बचाव कर सकती है कि हमें कम चोट लगे या एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन हो। इसलिए जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है कंट्री में, उसको हम सब फॉलो करें और अच्छे से अपने आप को वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेशन हमें एटलीस्ट कॉम्प्लिकेशन से बचाएगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। बाकी सबको स्टे वेल स्टे सेफ, नमस्कार।